पंडित जी भी यार रोड पे स्केटिंग करते हुए चल रहे, ब्रेक मार रहे दबा दबा के, कहाँ जाना है इनको यार, कहाँ मंत्र फूंक के भाग रहे हैं ये। कमाल है यार, पता नहीं किसको मंत्र छोड़ के आए, इतनी तेज भागे जा रहे हैं, भाग के जा रहे हैं। Hi guys, तो back to my work, back to my YouTube channel, और काफ़ी टाइम तक मैंने वीडियो नहीं डाली और मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी था अपनी लाइफ में, तो मेरा एक पर्सनल बिजनेस भी है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा मैं इन्वॉल्व हो गया था। तो अभी मैं अपने YouTube चैनल पे वापसी आ गया हूँ और मेरे को थोड़े सांस चढ़े हुए हैं क्योंकि मैं भाग भाग के मैं सारे काम कर रहा हूँ, पुरानी चीज़ें निकाल रहा हूँ अपनी, अपने हेलमेट को मैंने तैयार कराया, GoPro लगाया, बैटरी वगैरह चार्ज करी उसकी जितनी भी हो सकी, और मैं करोल बाग जा रहा हूँ अपनी जो मेरी अब बैक टू बैक जो मेरी राइड रहेगी उनके लिए मेरे को छोटी छोटी चीज़ें लेनी है, तो मैं पहले से ही मैं धीरे धीरे ले लेता हूँ। और इतने दिन बाद बाइक को मैंने अभी तक देखा नहीं है, तो एक बार बाइक को देखते हैं, एक दो तीन। डेढ़ महीने बाद बाइक पे बैठ के क्या मेरे को फीलिंग आ रही है और बाइक क्या भाग रही है मेरी, मैं बता नहीं सकता, मेरे को इतनी अच्छी फीलिंग आ रही है ना अंदर से अपनी बाइक को लेके। ऑसम बाइक यार, टूरिस्ट के मामले में बाइक जो सबसे कम प्राइस में है वो सबसे बढ़िया बाइक है ये। और मेरे साथ परवेज है, वो बीच में बाइक को रुकवा रहा है, वो कह रहा है मैं नहीं जा रहा क्योंकि उसको मैंने सेफ्टी के तौर पे एक हेलमेट पहनाया है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये वाला हेलमेट। तो वो बीच बीच में रोक रहा है, कह रहा है मैं नहीं जा रहा, मैं कह रहा हूँ चल तेरे को नया हेलमेट वहीं दिलवा दूंगा मैं, लेकिन सेफ्टी के तौर पे हेलमेट तो चाहिए होता है, पहनना चाहिए। और मैं जल्दी से एक छोटी सी राइड प्लान करूँगा, एक दिन की या दो दिन की, तो वो मैं आप लोगों को अपडेट दे दूँगा इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग मेरे को फॉलो कर लो, इस पे नीचे आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे स्क्रीन में इंस्टाग्राम, तो आप मेरे को उस पे फॉलो करो तो आपको मेरी जो राइड जो होने वाली है सबकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। कोई भाई मेरे को ज्वाइन करना चाहता है तो वो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज करो, तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा आज मैं कि मैं क्या क्या मैं परचेज कर रहा हूँ अपनी राइडिंग के लिए, और जो ये मेरी वीडियो है कि राइड की प्रिपरेशन के लिए मैं ये वीडियो को मैं डालूंगा कि हमें क्या क्या चीज़ लेनी चाहिए, और जो मैं आज मैं चीज़ें खरीदूंगा मार्केट से तो वो मेरे को क्या प्राइस में पड़ी है और कहाँ से आपको ख़रीदनी चाहिए वो, तो वो सब मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगा इसमें करोल बाग में, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी आपके लिए, काफ़ी जो राइड करते हैं लोग बाग तो उनको सेफ्टी पर्पज़ से क्या क्या चीज़ चाहिए, और कोई विंटर में राइड कर रहा है तो जैसे कि अभी हाल फिलहाल अभी मेरी 3-4 महीने के बाद जो राइड होने वाली है लेह लद्दाख और स्पीति की राइड मैं करूँगा, तो उसमें मेरे को जो जो चीज़ें चाहिएंगी तो वो चीज़ें मैं परचेज़ कर रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं कि मैं एक ही बार में सारी चीज़ें परचेज कर लूँ, और राइडिंग पैंट होगी और शूज़ हो गए हैं, तो देखता हूँ मेरे को इनमें से कौन सी चीज़ सही प्राइस में मिलती है, तो मैं उस चीज़ को उन दोनों में से किसी एक चीज़ को तो मैं परचेज़ करूँगा ही करूँगा। और साथ में ही मैं एक हेलमेट सोच रहा हूँ क्योंकि जो मेरा हेलमेट है ये थोड़ा सा ढीला ढाला सा हो गया है, तो वो मैं परचेज़ करूँगा लेकिन वो एक महीने के बाद परचेज़ करूँगा।
और ग्लव्स वगैरह लेने हैं, राइडिंग पैंट मेरे को लेनी है, शूज मेरे को लेना है, बाइक की चैन स्प्रे मेरे को लेनी है, कूलेंट मेरे को लेना है बाइक का, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी इजली कूलेंट नहीं मिलता है, तो पहले से ही मैं स्पेयर में लेके रखूँगा, क्योंकि राइड पे जाने से पहले ये सब चीज़ें मेरे पास होनी बहुत ज़रूरी है। यही चीज़ें हैं जो मैं परचेज़ करने के लिए जा रहा हूँ करोल बाग, और एक मेरी छोटी सी मीटिंग है, उस मीटिंग को मैं ख़त्म कर लेता हूँ। पंडित जी भी यार रोड पे स्केटिंग करते हुए चल रहे, ब्रेक मार रहे, दबा दबा के, कहाँ जाने इनको यार, कहाँ मंत्र फूंक के भाग रहे ये। कमाल है यार, पता नहीं किसको मंत्र छोड़ के आए, इतनी तेज भागे जा रहे हैं, भाग के जा रहे हैं, कहाँ जाएंगे भाग के। एक राइड पे चल जाता है। अभी मैं अपने घर आ चुका हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या चीज मैंने परचेज करी और उसका प्राइस क्या है और उसका यूज क्या होता है। तो आप एक बार चेक कर लीजिए, ये मैंने जो ली है, ये मैं आप लोगों को इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये पंचर किट है, कहीं पे भी टायर में ट्यूबलेस में मेरे कोई भी पंचर वगैरह होता है तो मैं इससे इजीली लगा सकता हूँ। बाइक में मेरे हर टाइम मेरे यूज़ में आने वाली चीज़ है, मेरी हर ट्रिप पे मेरी यूज़ में आएगी। तो आप लोगों को मैं सजेस्ट करूँगा कि ये वाली चीज़ आपके पास कोई भी बाइक है एक्स वाई जेड, आप किसी भी बाइक पर राइड करते हो तो आपके पास पंचर किट होनी बहुत ज़रूरी है। तो आप ये साइड में रखो। और दूसरा, मैंने चैन क्लीनर लिया है, चैन ल्यूब लिया है, जिससे मैं मेरी जो बाइक जो रेगुलर चलती है तो 500-600 किलोमीटर पर मेरे को अपनी बाइक को चैन को क्लीन करना पड़ता है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मॉड्यूल का, मेरे को कूलेंट लेना था, क्योंकि जो अभी मैं जैसलमेर की राइड करके आया हूँ तो उसमें मेरे को, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा कि मेरे को कितनी प्रॉब्लम हुई है एक कूलेंट के कारण। इसमें येलो कलर भी होता है जो अभी मेरे पास है, ये मैं लेके आया हूँ, इसको मैं उसके साथ मिक्स करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मेरी बाइक में, और ये मेरी यूज़ में आने वाली चीज़ है जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। और जो काफ़ी टाइम से मैं प्लान कर रहा था, मैं पैसे इकट्ठे कर रहा था अपनी राइडिंग पैंट के लिए, ये मेरे को सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसलिए थी क्योंकि मैं जितनी भी मैं राइड करता था तो उस राइड में मेरी एक पैंट को मेरे को बलिदान करना पड़ता था, क्योंकि जींस की पैंट जो मैं उसमें पहनता था वो इतनी गंदी हो जाती थी कि वो धोने से भी उसका जो रिंकल्स उसमें पड़ते थे और जो उसमें सारा मैल इकट्ठा हो जाता था वो नहीं हो पाती थी इजीली क्लीन। तो अभी मैं एक राइडिंग पैंट लेके आया हूँ जो ये मेरे को 6500 की पड़ी है। तो मैं आप लोगों को पहन के इसको एक बार दिखा देता हूँ कि लुक लाइक ये कैसी लगेगी। एक दो, तो आप लोग देख रहे हो कि ये वाटरप्रूफ पैंट है जो मैंने अभी डाली हुई है। तो कैसी लगी आप लोगों को ये पैंट? इसके अंदर ये गर्म भी रहेगी पैंट, और वाटरप्रूफ पैंट है, और इसके अंदर मेरे गार्ड सारे लगे हुए हैं ताकि मेरे को अलग से कोई गार्ड नहीं लगाना पड़ेगा इस पैंट में। और ये मेरे को 6500 की पैंट पड़ी है। और जो मैं आपको पिंचर किट आपको मैं बता रहा था टायर की, तो ये मेरे को सिर्फ 150 रुपये की पड़ी है। इन दोनों के मैंने पे करा है 800 रुपये टोटल। तो ये नहीं पता मेरे को कि ये कितने का था और ये कितने का था, तो टोटल मैंने इन दोनों के 800 रुपये पे करे थे।
तो ये चीज़ है। और सबसे मस्त चीज़ मेरे को ये लगी, और काफ़ी ईजी है, आराम से मैं बैठ सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो और सबसे मेन चीज़ ये होती है कि सेफ्टी फर्स्ट होती है, तो सेफ्टी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। आप लोगों को जो राइड करते हो तो ये सब चीज़ें आप लोगों को बहुत ज़रूरी है, आप सबसे पहले सेफ्टी पे पैसा लगाओ। मैंने जैसे कि पैसे इकट्ठा करके अपनी सेफ्टी पे पैसा लगा रहा हूँ, तो आप भी वो सब चीज़ें करो। थोड़े टाइम के बाद, एक दो राइड के बाद या एक दो महीने के बाद, मैं एक हेलमेट भी परचेज करने वाला हूँ, तो वो भी मेरे जो SMK का जो हेलमेट है उससे अच्छा हेलमेट होगा, क्योंकि अब मैं सेफ्टी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकता। सो आज का मेरा ब्लॉग यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड आप सब्सक्राइब जरूर करो मेरे चैनल को, ताकि जो नई वीडियो आएंगी वो आप लोगों तक पहले पहुंच सके। बाय बाय।